नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा से एक बड़ी खबर, राजस्थान में यात्रा चल रही है और राजस्थान दूसरे राज्यों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण क्यों बना हुआ है, एक कहानी सुनिए कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी की जुबानी। चलते हुए महाराष्ट्र में, बाकी स्टेट्स में रास्ते पे लोग मिलते थे, कहते थे हमारे को किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना है, पैसा नहीं है। स्टेंट लगवाना है, पैसा नहीं। मैं पूछता था कितना पैसा लगेगा, 50 लाख रुपए लगेंगे, हमारे पास नहीं है, हम किसान हैं, कहां से आएगा। सब जगह ये होता था। अजीब सी बात है, राजस्थान में ये नहीं हो रहा है। कल पहली बार दो लोगों से मिला, एक बच्चा इतना बड़ा, उसका कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ था और एक व्यक्ति जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, और दोनों ने मुझे, मैंने पूछा कितना पैसा लगा, फ्री में हुआ, मुफ्त में हुआ। तो चिरंजीवी स्कीम ने लाखों लोगों के दिल से डर मिटाया है, तो इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। और ये पूरे देश को स्कीम रास्ता दिखा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी चलते हैं तो उनके दोनों तरफ यानी बाएं और दाहिनी तरफ सुरक्षाकर्मी रस्सी लेकर चलते हैं ताकि कोई आ न पाए। अब रस्सी के बारे में कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने क्यों कहा कि रस्सी हटनी चाहिए? साफ सी बात है, जब वो चलते हैं तो उनके साथ महत्वपूर्ण व्यक्ति भी उनके साथ चलते हैं, कुछ रस्सी के बाहर होते हैं, कुछ आम कार्यकर्ता भी होते हैं और आम जनमानस भी होते हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि ये क्यों रस्सी हटनी चाहिए। यात्रा में एक रस्सी है, रस्सी के अंदर सारे के सारे सीनियर नेता हैं, रस्सी के बाहर हमारे लोकल बॉडी के नेता, जिला परिषद के नेता, प्रधान और कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता। इस रस्सी को तोड़ना पड़ेगा, मतलब जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारा लोकल बॉडी का नेता है, उसकी भी आवाज सरकार में सुनाई देनी चाहिए, सरकार के ऑफिसेज में सुनाई देनी चाहिए। और उससे भी जरूरी जो राजस्थान का आम नागरिक है, उसकी भी आवाज राजस्थान के हर ऑफिस के अंदर सुनाई देनी चाहिए। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने राजस्थान का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि क्यों राजस्थान एक बेहतरीन राज्य बनकर उभर रहा है। राजस्थान में जिस तरह से सरकार ने मनरेगा के लिए काम किया, जिस तरह से महिलाओं के लिए काम किया, वो एक दूसरे राज्यों के लिए एक नमूना है। हालांकि ये जो खबरें हैं, जो कि राजस्थान सरकार की एक बेहतरीन उदाहरण, बेहतरीन कार्यशैली का जो काम करने का तरीका है, ये मीडिया तो नहीं दिखाती है, लेकिन आप सुनिए कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने क्यों राजस्थान की इतनी तारीफ की, क्योंकि ये सच है, मीडिया में नहीं दिखता है, लेकिन आप सुनिए। आपने महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन देने का काम किया और जो उनको पहले कष्ट होता था आपने उसको मिटाया। यहां जो पुरुष हैं इनको ये छोटी सी बात लगती है, मगर इस बात को महिलाएं समझेगी, ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मनरेगा स्कीम जो गांव में होता था उसको आप शहर में लाए, उससे भी राजस्थान के युवाओं को जबरदस्त फायदा हो रहा है। बाकी स्टेट्स में जब यात्रा निकलती थी ओल्ड पेंशन स्कीम के नारे चलते थे, यहां पे यार नारा नहीं सुनाई देता,
आपने यहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो हुजूम देखने को मिला, जो जनसैलाब देखने को मिला, जो आम लोगों से बातचीत करके मालूमात पड़ा कि किस तरह से राजस्थान सरकार एक पॉजिटिव काम कर रही है, लोगों के बीच में ये बातें उभर कर आ रही है कि राजस्थान एक बेहतर राज्य बनता जा रहा है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान को जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनको जिस तरह से वो पदयात्रा में शामिल हुए, हुजूम इकट्ठा हुआ, लोगों ने तारीफ भी की राजस्थान की जनता का, राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता का, उन्होंने कहा कि अब हर जगह जो है राजस्थान के नेता जो हैं वो हर दिन पैदल चलें, लोगों से वार्तालाप करें। ये इसलिए क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और देखा है कि राजस्थान की जिस तरह से गांव, घर, कस्बे और शहर में पैठ बनाई हुई है कांग्रेस ने, क्योंकि बेहतरीन सरकार चलाने का जो नमूना पेश किया है सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। और यही तारीफ इसलिए क्योंकि हमने हुजूम देखा है, इस जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इस जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में जो हुजूम देखने को मिला, यह कहीं ना कहीं बल देता है कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने कहा कि अब कांग्रेस के लोगों को पैदल यात्रा राजस्थान राज्य में भी करनी चाहिए। महीने में एक बार, पहले मैंने सोचा हर 15 दिन, मगर अब मैं कह रहा हूं महीने में एक बार कर लो। राजस्थान की पूरी कैबिनेट राजस्थान के सड़कों पे चले। आपने दिखा दिया है कि आप 25 किलोमीटर चल सकते हो। 25 किलोमीटर चला है सबने। मैं कह रहा हूं 25 मत चलिए, 15 चलिए। हर महीने एक दिन चुन लीजिए। आपके 30 मंत्री हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक मंत्री को एक डिस्ट्रिक्ट दीजिए, 15 किलोमीटर चलाइए, जनता के बीच में डालिए। सारे के सारे, ये देखो मजा आया ना। इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं, इसमें होता क्या है, आदमी छुप नहीं सकता। अब देखिए मेरे पास लोग आए, कहते हैं राहुल जी हमारे गांव में फ्लोराइड, पानी में फ्लोराइड है। अगर पूरी राजस्थान की सरकार महीने में एक बार, मैं हर रोज नहीं कह रहा हूं, महीने में एक बार चल ले, तो जो भी लोगों की कठिनाई होगी वो यात्रा में आकर आपके पास सीधा आ जाएंगे और आप उनकी मदद कर पाओगे। बात वहां नहीं रुकती, आपकी फिटनेस बढ़ जाएगी, शुगर की बीमारी खत्म हो जाएगी, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये मेरा सुझाव है, खारगे जी के लिए सुझाव है, गहलोत जी के लिए सुझाव है, अगर ये करना चाहें। मुझे लगता है इससे कांग्रेस पार्टी का, राजस्थान का और हमारे सब नेताओं का फायदा होगा।